हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस क्या होता है, यानी बिजनेस को हम इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में किस तरह से सब डिवाइड करते हैं। आज हम उसके आगे का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इंडस्ट्री तो मैंने उसी वीडियो में कवर कर दी थी कि कितने तरह की होती है, इंडस्ट्रीज में क्या क्या काम होता है और उसके क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। लेकिन कॉमर्स में हमारा कुछ पार्ट रह गया था। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉमर्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो एक बार पहले कॉमर्स रिवाइज कर लेते हैं क्या होता था। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। यहां पर आपको कहीं भी प्रोडक्शन नाम का वर्ड नहीं दिख रहा है। तो प्रोडक्शन का काम सारा कहाँ होता है? इंडस्ट्री के अंदर। कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आ जाता है, यानी कि जो प्रोड्यूस्ड मटेरियल है, गुड्स या सर्विसेज है, उसको हम प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं और फिर उसे अल्टीमेट कंज्यूमर तक सेल करते हैं। सिर्फ इतना रोल कॉमर्स में आता है। तो इस प्रोसेस को, परचेज एंड सेल को, हम कहते हैं ट्रेड। तो कॉमर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज यानी उसके एड्स, यानी ट्रेड करने के लिए भी हमें कुछ कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ती है जिसके बिना ट्रेड इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसे हम ऑक्सिलरीज में काउंट करते हैं। वंस अगेन, ट्रेड क्या होता है? प्रोड्यूसर से गुड परचेज करना और उसे कंज्यूमर तक पहुंचा देना, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये पार्ट ट्रेड में आता है। बीच में ट्रेडर अपना प्रॉफिट का मार्जिन अर्न कर लेता है। सिर्फ दिस पार्ट इज कंसिडर्ड इन ट्रेड एंड नथिंग एल्स। बाकी बात करेंगे व्हाट आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे जिसमें हम फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, कहीं ना कहीं फंक्शंस ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कवर करने जा रहे हैं। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है? सबसे पहला फंक्शन है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्संस। हिंड्रेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, कि पर्संस की कमी कैसे पूरी की जाती है। तो पर्सन की कमी ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स पूरी करता है। ट्रेड करता क्या है? इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये क्या करता है? मैंने बताया, प्रोड्यूसर बना कर रख देता है और कंज्यूमर अपने घर में बैठा हुआ है, तो बीच में जो टाइम, ये जो गैप है, डिस्टेंस है, इसको कौन पूरा करता है? इसे ट्रेड पूरा करता है। तो ट्रेड क्या करता है? प्रोड्यूसर से परचेज एंड कंज्यूमर से सेल, और बीच में वो अपना प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर लेता है। दूसरी प्रॉब्लम कॉमर्स से रिलेटेड क्या होती है? रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। मतलब कि अगर हमने कुछ बना दिया, सपोज करिए एक फैक्ट्री है, गुजरात में है, और उसके लिए उसकी डिमांड ऑल ओवर द इंडिया है, तो गुजरात से प्रोड्यूसर घर घर जाकर अगर बेचने लग गया तो फिर वो बनाएगा कब? उसका काम है साड़ियां बनाना, ना कि बेचना, राइट? गुजरात की साड़ी बहुत फेमस है, ऑल ओवर द इंडिया उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अब गुजरात के प्रोड्यूसर से क्या करते हैं? ट्रेडर्स परचेज करते हैं और उसे बेच देते हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? ट्रांसपोर्ट सेगमेंट रिमूव द प्लेस गैप। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, इट इज वन ऑफ द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पहली ऑक्सिलरी क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो डिस्टेंस गैप है वो कवर कर देते हैं। तीसरी प्रॉब्लम आती है हमारी हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम का मतलब कि कोई प्रोडक्ट आज बना है और उसको आज के आज आगे डिलीवर करना है, तो या फिर आज के आज उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, हमें उसको 6 महीने बाद भी डिलीवर करना है, तो फिर अब ये प्रॉब्लम कम होगी। जैसे कि प्रोड्यूसर ने बहुत सारा सामान बनाया 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 और बना बना के उसका जो फैक्ट्री है वो भर गई। अब उसको चाहिए भाई सामान को कोई उठाकर ले जाओ और जब भी ये आगे कंज्यूमर डिमांड करे उसे बेचते जाओ। मेरा काम है, मैं बना बना के अपनी फैक्ट्री भरता जाऊंगा, तुम फैक्ट्री खाली करो और इसको लेकर चले जाओ। तो इसके लिए एक और सर्विस की जरूरत पड़ेगी, और उस सर्विस का नाम क्या है? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस क्या होता है? स्टोरेज हाउस को कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, अभी शॉप पे नहीं है, तो वो गोडाउन क्या है? वेयर हाउस है। क्योंकि शॉप छोटी सी होती है, उस पे हम सब कुछ नहीं रख सकते बेचने के लिए, हमें क्या करना पड़ता है? मैसिव यूनिट्स जो है उसको उठाकर गोडाउन में स्टोर करनी पड़ती है, और एक एक दो दो की डिमांड आती रहती है, और हम क्या करते हैं? निकाल निकाल के सेल करते रहते हैं। तो गोडाउन हर बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउस हर बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट है।
हाउएवर वेयरहाउसिंग्स भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ होते हैं गवर्नमेंट वेयरहाउसेस, जो गवर्नमेंट रेंट पे लीज आउट कर देती है कि भाई आप अपना सामान, जैसे टेनेंट होते हैं हम लोग अपना नहीं परचेज कर सकते, गोडाउन एक बहुत बड़ी जगह होती है, तो हमें कुछ सामान के लिए चाहिए होता है, रेंट पे करके हम गवर्नमेंट का यूज कर लेते हैं और उसको अपने काम में ले आते हैं। उसके बाद प्राइवेट वेयर हाउसेज होते हैं, प्राइवेट मतलब ओनर्स हम खुद खरीद लेते हैं कि भाई हमारा तो रोज का ही काम है, हमें बहुत सारा सामान जो स्टॉक करना है, तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने खुद के वेयर हाउस परचेज कर लेते हैं, उनके पर्सनल होते हैं। उसके अलावा कुछ होते हैं कोल्ड स्टोरेज, जो ऐसा सामान है जिसको ठंडे टेम्परेचर में रखना है ना, -डिग्रीज में रखना है, जैसे आइसक्रीम्स हैं, आइसक्रीम्स बन के आ गई हैं, अब ये थोड़ी कि अभी अभी बनी और कंज्यूमर ने उसे खा लिया है, जैसे हैवमोर्स है, अमूल है, ये बहुत सारी मदर डेरी है, इन सबकी आइसक्रीम्स होती हैं, तो ये अपनी फैक्ट्री से बनाकर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। तो इसको स्टोर कौन से वेयर हाउस में करना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज में, जहां का माइनस में टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। उसके उल्टे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत जल्दी इनफ्लेमेबल होते हैं, कि अभी के अभी आग लग जाएगी, ज्यादा टेम्परेचर डिग्री में क्या होगा, वो लिक्विड हो जाएगा या वो उसमें आग लग जाएगी, तो उनको कैसे वेयर हाउस में रखना पड़ता है, उनके लिए हम यूज करते हैं फायर प्रूफ वेयर हाउस, जहां पर ऐसा टेम्परेचर मेंटेन होता है कि उसमें आग लगने के कोई भी चांसेस नहीं होते, एटमोस्फेयर की हीट से उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक हमारी जो हिंड्रेंस थी, इट इज अ हिंड्रेंस ऑफ टाइम, जिसको वेयर हाउसिंग ने कंप्लीट कर लिया। दूसरी हमारी नेक्स्ट पार्ट जो है हिंड्रेंस का, वो है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो बन गया है, अब उसे हमें दूसरे कंज्यूमर को एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज करने के लिए बदले में हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब मैंने प्रोडक्ट बना लिया, अब ये थोड़ी कि कोई भी और उठाकर लेकर चले जाओ, आपको बदले में क्या देना पड़ेगा, उसका जो भी प्राइस है वो पे करोगे, प्रोड्यूसर को दोगे और फिर कंज्यूमर उसे खरीद सकता है, यही होता है मार्केट का मैकेनिज्म। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसा। अब पैसा जो है वो मार्केट में रोटेट कौन करता है, बैंकिंग सिस्टम करते हैं, जितने भी बैंक्स हैं, आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो, बैंक आपको पैसा निकाल कर देता है, मतलब कि एक करेंसी को जो रोटेट करता है मार्केट में, फ्लोट करता है, वो कौन करता है, बैंकिंग स्ट्रक्चर, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो। तो ये जो हमारी हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, इसको बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स जो है क्या करती है, पूरा करती है, रिमूव करती है, राइट। तो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज करेंसी इज सर्क्यूलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। ये थी हमारी चौथी हिंड्रेंस, चौथा फंक्शन जो कॉमर्स पूरा करता है। फिफ्थ फंक्शन इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिस्क। रिस्क बहुत तरह के होते हैं, जो मैं पार्ट फोर बनाऊंगी फर्स्ट चैप्टर का, उसमें पूरी तरह रिस्क कवर करूंगी, लेकिन अभी के लिए आपको रिस्क का मतलब पता है कि क्या होता है, उसको हर बच्चे को ये बात पता है कि बिजनेस में रिस्क होता है, तो अब उस रिस्क को हम जीरो नहीं कर सकते, लेकिन कवर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, बहुत हाई रिस्क को मॉडरेट या लो कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट ऑक्सिलरी, विच इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो होता है, इट इज वन ऑफ द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, जो कि हमें बिजनेसमैन को बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है इंश्योरेंस के बिना अधूरा रहता है। आपके चैप्टर फोर जो है उसमें हम इंश्योरेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, इंश्योरेंस क्या होता है, कितने तरह का होता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो अभी के लिए हम सिर्फ इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, विच इज यूज टू अवॉइड द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट फंक्शन जो कॉमर्स का है, दैट इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब ये नहीं है जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये तो आपकी बुकिश नॉलेज है, लेकिन सपोज कीजिए मार्केट में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ने बनाया, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप सब लोग साबुन से नहाते हो, सोप्स आप लोग यूज करते हो, किसी प्रोड्यूसर के दिमाग में आया कि सोप्स हमेशा सॉलिड ही क्यों होंगे, बार ही क्यों होगा, हम लिक्विड सोप क्यों नहीं बना सकते, लिक्विड सोप ज्यादा इजीली जो है आपको कन्वर्ट कर सकते, नहाने में हेल्प कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ज्यादा टाइम तक चलते हैं। तो एक नया प्रोडक्ट होगा मार्केट में, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, उसने लिक्विड बॉडी वॉश बना दिए। अब लोगों को पता ही नहीं है ऐसी भी कोई चीज होती है, हमें तो पता ही नहीं, हम तो हमेशा लक्स की टिक्की से ही नहाते हैं। तो ये लिक्विड बॉडी वॉश नाम की चीज जो है, ये उसने बना तो दी, लेकिन बिकेगी कैसे जब तक लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है।
उसके लिए वो क्या करेगा, टीवी पे एड्स चलवाएगा, रेडियो पे एड्स चलवाएगा, न्यूज़पेपर में एड्स चलवाएगा। तो ये जो एड्स हैं ये क्या, ये एक मीडियम है लोगों को अवेयरनेस दिलवाने के। तो वही होता है हमारा नेक्स्ट ऑक्सिलेटरी ट्रेड, एडवर्टाइजमेंट। इट रिमूव्स दिस प्रॉब्लम बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। कुछ भी नया इंडस्ट्री में हो रहा है तो वो लोगों को उस तक कैसे पहुंचाएंगे वो न्यूज, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अगेन एडवर्टाइजमेंट बहुत तरह से हो सकते हैं, वो सिर्फ एक ही तरह से नहीं हो सकता। मास कम्युनिकेशन है एडवर्टाइजमेंट, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसका मोटिव यही होता है कि लोगों को अवेयरनेस पहुंचा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉमर्स, ऑक्सिलरीज टू कॉमर्स, एंड क्या क्या फंक्शंस कॉमर्स प्ले करता है इन द डेली लाइफ, राइट। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जाऊंगी, वो आपका मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 1 का, और उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे बीएसटी क्लास 11 के। आज की वीडियो अगर आपको पसंद हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।